नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो बात करने वाले हैं आरएसी की। आरएसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखी गई है, जिसमें आपको इस साल का पहला डिविडेंड और आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए थर्ड डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी आरएसी आपको 138 के आसपास काम काज कर रहा है, और लास्ट ईयर की बात करें तो आपको 4 बार डिविडेंड दिया गया था, जो मार्च में आपको 5 रुपए का डिविडेंड था, उसके बाद आपको अगस्त में 2 रुपए का, उसके बाद सितंबर में आपको 1.71 रुपए का, नवंबर में लास्ट आपको 2.5 रुपए का डिविडेंड था। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग आपको 9.5% का डिविडेंड यील्ड है, यानी आपने अगर इस स्टॉक में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सालाना आपको 95 रुपीज आपको डिविडेंड से कमाई होती है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो एक साल में आपको माइनस में चल रहा है, लगभग -2% का रिटर्न है। आपको बता दूं कि जब लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको 52 वीक के लो के आसपास कामकाज करने वाली कंपनीज में, तो उसमें आरएसी को भी इंक्लूड किया था। तो जिन लोगों को मैंने बताया था कि लेवल क्या रहेगा आगे एक्युमुलेट करने का, वहां पर भी हम लोग बात कर लेंगे। चलिए पहले लेटर में देख लेते हैं हमारे लिए क्या नोटिफाई किया गया है और हमारे पास कौन सी डेट है जिस पे हमें नजर रखनी है। 31 जनवरी 2022 का ये लेटर आपको एक्सचेंज को नोटिफाई करते हुए बताया गया है कि थर्ड डिविडेंड का अमाउंट घोषित होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आपको रखी गई है 4 फरवरी 2022। तो 4 फरवरी 2022 को मीटिंग में आपको डिविडेंड का अमाउंट के साथ साथ रिकॉर्ड डेट भी आपको डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी आपको इनके तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो 4 फरवरी 2022 को जब डिविडेंड का अमाउंट घोषित होगा, तब मैं आपको यहां पर रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी आपको डाल दूंगा। चलिए देख लेते हैं कि आगे टेक्निकल चार्ट पे कैसा कामकाज होते हुए दिख रहा है और हमें कहां से अपनी बाइंग के लेवल को कंटिन्यू करना है। आरएसी की टेक्निकल चार्ट की बात करें तो 126-127 का जो आपको सपोर्ट था लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था, वो अभी तक बना हुआ है। ये आपको ट्रिपल बार टेस्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर अगर बाइंग अगर वापस से मिलती है तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और 126 का लेवल अगर टूटता है तो आपको वीकनेस ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको 10 से 15 रुपए तक के नीचे के तरफ ये आपको जाते हुए दिख सकता है। और ऊपर की बात करें तो आपको 142 का अभी भी मेजर रेजिस्टेंस है, ये अभी तक नहीं कटा है। अगर ये कटेगा तब जाके आपको ऊपर 10 से 15 रुपए तक का अप मूव आते हुए मिलेगा। और इस डिविडेंड के अमाउंट को प्ले करने के लिए आपको 132 से 134 के बीच की आपकी बाइंग की अगर लेवल नहीं है, तब आप न्यू बाइंग आप 132 से 134 के बीच आप बनाए, डिप पे आप खरीदारी यहाँ पे करें। और जिन लोगों का पुराना है वो आप 126 से 127 के लेवल पे वॉच करें, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ रीटेस्ट करने आता है 132 तोड़ के, तो यहाँ पे आपको इस बार अगर तोड़ेगा तो वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो ऊपर की तरफ आपको 142 का लेवल पे आपको रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट 126 बना हुआ है। तो रेंज बॉन्ड की तरह ये कामकाज कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ 142 इस बार काटेगा तो आप 10 से 15 रुपए के लिए बैठ सकते हैं। और जो लोग डिविडेंड के लिए प्ले करना चाहते हैं 132 से 134 के बीच में अगर आपकी खरीदारी होती है, तो 140 से 142 के बीच पे जब ये आपको मिलेगा तब आप यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस स्टॉक या कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो काइंडली कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।